हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो भाई लोगों, अब मैं जो है ना मैडम को हॉस्पिटल छोड़ के अब मैं घर के लिए जा रहा हूँ। और फिर मैं आज आपको अपने एक हज ड्राइवर का जो सऊदी अरब में होता है ना, उसका मैं रूम दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कैसे एक हज ड्राइवर को रूम मिलता है, कितना बड़ा रूम मिलता है, क्या क्या उसको सामान मिलता है, क्या क्या उसको सहूलियत मिलती है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहे बिल्कुल, ठीक है। और जितने भी मेरे परदेसी भाई आना चाहते हैं सऊदी अरब में हज ड्राइविंग के लिए, ठीक है, या गल्फ कंट्रियों में जो आना चाहते हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे किस तरह का उनको रहने की सहूलियत मिलती है, क्या क्या उसको आराम मिलता है, ठीक है। और जो भाई लोग मेरे यहाँ आ गए हैं, ठीक है, तो वो भी उनको जैसा रूम मिला है, कैसा रूम मिला है, ठीक है, तो मेरा रूम देख लेंगे। मैं अपना रूम खुद दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और उनको फिर ये टेंशन नहीं होगी, कोई गम भी नहीं होगा कि भाई मुझे कैसा रूम मिला है, मुझे कहीं ख़राब, ज़्यादा ख़राब रूम मिला है, लोगों को पता नहीं कैसा मिलता होगा, तो उसका, तो उन भाइयों का दिल परेशान नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और मैं घर पहुँचते ही मैं आपको अपना रूम और अपना सारा जो कुछ मुझे यहाँ पे एक हाउस ड्राइवर को मिलता है ना, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, रोड कैसे होते हैं, क्या होता है, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, जाइए मत, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये जो ट्रैवल की है ना, मैं इसको टाइमलेस वीडियो बना दूंगा, और बहुत ही बिल्कुल एक दो मिनट में मैं आपको रूम पे पहुंच के ना फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है भाई लोगों। तो वीडियो में बने रहे, छोड़ के जाइए मत। ये देखो भाई लोगों, अब मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने घर के रास्ते में, घर के करीब हूँ। ये मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वो एरिया है, ठीक है, बहुत ही जंगली एरिया है भाई लोगों, नया नया एरिया बना है ये, ठीक है। और ये अब मैं पहुँच गया मैं अपने घर पे, भाई लोगों मैं अपने कमरे पे अब आ गया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सामने जो है ना, ये सामने मेरा रूम है, वो दिख रहा है ना, वो मेरा रूम है। थोड़ा और बाहर का तुम्हें रूम के बाहर का नजारा दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब मैं ये आ गया हूँ रूम पे, ये मेरी गाड़ी है, ये चलाता हूँ, ये मेरा रूम है, बाहर से देखो कैसा है,
और बाहर का नज़ारा तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये पड़ोस है, पड़ोस का घर है, एक पुरानी जीएमसी खड़ी है, धूप बहुत तेज है। और दिखा देता हूँ आपको इधर का साइड का नज़ारा, ये कफिल की पुरानी गाड़ी खड़ी है, खराब। चलिए अब मैं आपको अब रूम में ले जाता हूँ, ठीक है। तो भाई लोगों, ये है रूम, छोटा सा रूम मिलता है। देखो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं यहाँ, ये है मेरा बेड, ठीक है, दिख रहा है, ये बेड है, ये कंबल, ये चादर, ये तकिया वगैरह सब, जब नया आदमी आता है ना उसको ये मिलता है। ये एक फ्रिज है और ये सामान है, केतली दी मेरे को चाय पीने के लिए, ये साइड टेबल है छोटा सा, यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है जो भी है। और अब बात करें खाना बनाने का, तो यहीं पे एक छोटा सा टेबल लगा के दे दिया है, इसमें आप खाना बनाओ, ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल करे। यह फ्रिज दिया एक, इसमें हम सामान रख लेते हैं जो भी है अपना खाने पीने का आइटम है। फ्रिज बड़ा दिया है, ठीक है, फ्रिज काम चला हुआ है। और ये एसी लगा हुआ है रूम के अंदर, तो इसमें गर्मी का एहसास भी नहीं होता है भाई, बाहर तो गर्मी बहुत होती है यहाँ पे। ये मैंने स्टिकर लगा रखे हैं ऐसी, थोड़ा मेरा रूम थोड़ा अच्छा लगे करके। और ये साइड में बाथरूम है, ठीक है, इसको क्या दिखाना है, बस यही होता है भाई ये रूम, ठीक है। सुन रहे, नींबू झाड़ो, नींबू झाड़ो, अरे झाड़ो ना, तो हाँ तो दोस्तों बस यही होता है यहाँ का ड्राइवरों का, ठीक है, और छोटा सा रूम होता है एक आदमी को गुजारा करने के लिए, कौन सा आदमी जिंदगी भर यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है नहीं भाई। तो आपने देख ही लिया क्या क्या फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे एक ड्राइवर को, ड्राइवर को क्या, गल्फ में लगभग जितने काम करने वाले होते हैं ना ऐसे ही होता है, कंपनी में काम करने वाले होते हैं उनको चार पांच लोग, एक रूम में चार चार पांच पांच छः छः आठ आठ लोग भी रहते हैं, ठीक है, एक एक बेड के हिसाब से जगह मिलती है। ये तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे और भाई लोगों आप लोग आओ, अगर आना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मेरा तो ज़्यादातर मशवरा है भाई, अगर कुछ काम धाम आप लोग अगर कुछ जानते हो ना तो अपने मुल्क में ही रहो तो अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, ठीक है, अगर काम जानते हो, अगर कोई काम धाम नहीं है कोई भी नहीं है तब तो यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो बढ़िया है, ठीक है। कुछ काम धाम नहीं करते हो, खाली हो तो यहाँ पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई टेक्निकल हैंड है, कुछ भी जानते हो कोई काम धाम, तो प्रदेश यहाँ पे आने की खास ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ज़िंदगी यहाँ पे, यहाँ की लाइफ थोड़ी टफ है। और हाउस ड्राइवर की बात करूँ तो यहाँ पे 24 आवर्स का काम है, कभी भी आपको उठा सकते हैं, कभी भी बोलते हैं चलो चलो गाड़ी चलाओ, और इतना मुश्किल का भी काम नहीं है भाई, गाड़ी तो चलाना है और क्या चलाना है, ठीक है। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं, जितना होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। और
कुछ भी सवाल जवाब है, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ सऊदी में हूँ, हो गया मुझे 8-9 साल हो गया है, और इससे पहले मैं दुबई में भी 6-7 साल रह के आया हूँ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे यहाँ के बारे में, ठीक है। तो और ड्राइवर के ऊपर कुछ डिटेल के ऊपर फिर एक नई वीडियो बनाता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।